आप सभी का स्वागत करते हैं हम आपके अपने चैनल दोस्तों। ये सामने आप देख रहे हैं जुहू चौपाटी, और आज हम जुहू चौपाटी में रहने वाले फिल्मी कलाकारों के घर आपको चुन चुन कर दिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और ये JW मैरियट होटल, यहाँ का सबसे महंगा होटल जुहू का JW मैरियट दोस्तों। हर सैटरडे संडे बड़ी बड़ी पार्टीज यहाँ पर ऑर्गेनाइज की जाती है, और हम आपको लेकर जा रहे हैं सबसे पहले जुहू बस स्टैंड, आपको दिखाएंगे। हम लोग सांता क्रूज से आ रहे हैं, सांता क्रूज से जुहू चौपाटी जुहू बस स्टैंड आने के लिए आप मात्र ₹5 में सांता क्रूज वेस्ट से बस पकड़कर 231 नंबर की बस पकड़कर यहां पर आप आ सकते हैं। ये जुहू का बस स्टैंड है, और यहीं आसपास सारे के सारे फिल्मी सितारे रहते हैं, और ये यश चोपड़ा जी का घर। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारी फिल्में इन्होंने बनाई है, और ये अजय देवगन का घर, शिव शक्ति अपार्टमेंट बंगलो जो है यहाँ पर नया रिनोवेशन होकर तैयार हो चुका है दोस्तों। इनके बंगले का नाम है शिव शक्ति, और इसी के जस्ट सामने हमारे अपने धर्म जी रहते हैं। तो चलिए उनके घर को हम आपको दिखाते हैं दोस्तों। हम मुंबई शहर में सिर्फ इन्हीं की वजह से आए थे, क्योंकि अपने तो अपने होते हैं, बाकी सब सपने होते हैं, इसीलिए हमने अपनों का फोटो डाला है। तो चलिए धर्म जी, बहुत ही जब भी आप मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि आपके अपने खुद के हैं, और बहुत ही प्रेम भाव से मिलते हैं। हमने तो बहुत सारा कार्य उनके साथ में किया भी है, और ये हमारे धर्मेंद्र धर्म जी, धर्म सिंह देओल जी का घर, ये आप ये देख सकते हैं, पंजाबी पुत्र। जी हाँ दोस्तों, यमला पगला दीवाना और जानदार शानदार फिल्में इन्होंने दी हैं, और फिल्म इंडस्ट्री के ही मैन का खिताब सबसे पहले इन्हें ही मिला था दोस्तों, इसीलिए हम भी इन्हीं के फैन हैं। तो आपने जय और वीरू का घर हम आपको दिखाते हैं दोस्तों। तो वीरू का घर आपने देख लिया, अब हम आपको लिए चलते हैं जय के घर की ओर। अमित जी के घर के जस्ट पीछे ही दोस्तों ये धर्म जी का घर है, और पास ही में ये राइट साइड में अजय देवगन का घर, शिव शक्ति, ये हम जूम कर रहे हैं, ये रिनोवेशन होकर इसका काम चल रहा है, और हम आपको लेकर पहुंच चुके हैं जय के घर। जी हाँ दोस्तों, जय वीरू की जोड़ी तो हमेशा, जब तक फिल्म इंडस्ट्री रहेगी, जब तक ये कायनात रहेगी, तब तक शोले फिल्म को कोई नहीं भूल सकता। और यहीं पर अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन यहाँ पर निवास करते हैं। ये अमित जी का घर है दोस्तों, ये आप ये देख लीजिए, बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल चौराहे पर ही है जुहू के। ये हम आपको दिखाते हैं ये जलसा। जी हाँ दोस्तों, ये वी होटल को आप देख सकते हैं, बिल्कुल जुहू होटल के साइड में ही वी होटल है, और इसी के साइड में ही दोस्तों ये अमित जी का घर है जलसा। ये आप ये देख सकते हैं पूरा का पूरा, यहाँ पर अमित जी के 4-5 बंगलोज हैं जुहू में, वो भी हम आपको दिखाएंगे दोस्तों। ये आप ये देख सकते हैं जलसा, और इसके पश्चात हम आपको लिए चलते हैं इन्हीं के पीछे, धर्मेंद्र जी का घर है, और जस्ट उसी के पीछे दोस्तों ये हेमा मालिनी जी का घर है। यहाँ पर जुहू में जितने भी फिल्म स्टार रहते हैं, आज उनके घर आप देखने वाले हैं इस वीडियो में। ये हेमा मालिनी जी के घर को आप ये देख सकते हैं दोस्तों, धर्म जी की पत्नी है, और भाई बहुत ही अच्छी अच्छी भूमिका इन्होंने फिल्मों में निभाई है दोस्तों। और हेमा जी के घर के जस्ट आगे ही दोस्तों, पास ही में ये डैनी डंजप्पा साहब का घर है, इन्होंने भी अभिनय की दौर में बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्में दी है, जो दोस्तों बहुत ही अच्छे खलनायक रहे हैं, कातिया को कौन भूल सकता है दोस्तों, सनी देओल साहब की फिल्म घातक। और ये अब हम आपको लेकर आ चुके हैं अमित जी का एक और घर है, ये प्रतीक्षा, यहाँ पर अमित जी और जया बच्चन जी यहाँ पर निवास करते हैं। ये आप ये देख सकते हैं पूरे बंगले को हम आपको करीब से दिखा रहे हैं दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत। आज आप जुहू में जितने भी फिल्म स्टार्स हैं सभी के घर आप देखेंगे, और ये प्रतीक्षा दोस्तों संडे के रोज शाम को 5 बजे कभी जलसा में कभी प्रतीक्षा में
और यहाँ पर दोस्तों भीड़ लग जाती है शाम को 5 बजे। दोनों बंगलों में किसी में भी आप शाम को 5 बजे आ जाइए तो दोनों में से एक बंगलों में दोस्तों वो अमित जी बाहर निकलते हैं और लोगों से मुलाकात करते हैं, टाटा बाय बाय करते हैं और आप उनके दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों हिंदुस्तान के कोहिनूर हीरा है दोस्तों, ये एक तो हमने देखा नहीं है लेकिन ये दूसरे जो हैं अमित जी हैं और ये पूरा जुहू की खूबसूरती को आप ये देख सकते हैं दोस्तों। इसके पश्चात हम आपको लेकर आए हैं जी हाँ खामोश, जी हाँ शत्रुघ्न सिन्हा के घर पर और यहीं पर सोनाक्षी सिन्हा उनकी बेटी शत्रुघ्न सिन्हा के साथ में यहीं पर निवास करती है। उनके 2 बेटे हैं, उन्होंने लव और कुश उनका नाम रखा है इसलिए अपने घर का नाम उन्होंने रामायणा रखा है। दोस्तों ऐसे संस्कार जिस इंसान के रहेंगे तो वो तो बात ही कुछ और होगी ना, इसीलिए संस्कार बड़े ही उत्तम होते हैं। ये रामायणा नाम बहुत ही अद्भुत लगता है और इसके पश्चात दोस्तों 8 नंबर रोड पर ये हम आपको लेकर आए हैं अनिल कपूर साहब। जी हाँ दोस्तों इन्होंने भी बड़ी ही गजब गजब हिट फिल्में दी है दोस्तों माधुरी दीक्षित के साथ में और ये यहाँ पर निवास करते हैं अपनी फैमिली के साथ में। दोस्तों ये बंगलो अनिल कपूर जी का हम आपको दिखा रहे हैं, ये भी जुहू में ही निवास करते हैं। और अब इसके पश्चात दोस्तों पास ही में बिल्डिंग है रोहित शेट्टी, जी हाँ शेट्टी टावर ये देख लीजिए आप, बहुत ही मेहनत करी है शेट्टी साहब ने, रोहित शेट्टी साहब ने, और पूरा एक फिल्म के बाद दूसरी फिल्म सुपर डुपर हिट फिल्म दी और उसके पश्चात उन्होंने यहाँ पर अपनी ये बिल्डिंग दोस्तों अपनी माँ को तोहफे में दी। दोस्तों ये देख सकते हैं आप रोहित शेट्टी साहब की ये बिल्डिंग, यहीं पर अगर आप ऑडिशन देना चाहते हैं तो यहाँ पर आकर रोहित शेट्टी साहब के साथ में उनकी फिल्मों में काम करना चाहते हैं तो यहाँ पर आकर आप ऑडिशन दे सकते हैं। ये पूरा एड्रेस हम आपको दिखाते जा रहे हैं और अब हम आपको जुहू चौपाटी दिखाए बगैर कैसे रह सकते हैं, यहाँ की खूबसूरत वादियों को हमने कैद किया ताकि हमारी YouTube फैमिली घर बैठे पूरे नज़ारे देख सकते हैं दोस्तों। और ये पूरा जुहू चौपाटी का खूबसूरत नज़ारा ये आप ये देख लीजिए, मेन जुहू चौपाटी के पास में भी हम आपको लेकर जाएंगे। ये बांद्रा वर्ली सीलिंग का खूबसूरत नज़ारा आप ये देख सकते हैं दोस्तों, कितना खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पर दूर दराज से ना जाने कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, फ्लाइट से आते हैं, ट्रेन से आते हैं, जल मार्ग से आते हैं और यहाँ से दोस्तों हर एक मिनट में एक फ्लाइट टेक ऑफ करती है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे रहते हैं दोस्तों। और भाई समुद्र देवता के दर्शन अवश्य करने चाहिए जो भी मुंबई शहर में आता है या कहीं पर भी जाता है, क्योंकि जितनी भी नदियां हैं सभी सागर में जाकर लुप्त हो जाती है। ये खूबसूरत नज़ारा बांद्रा वर्ली सीलिंग का हम आपको दिखा रहे हैं और ये आप ये देख सकते हैं एक के बाद एक फ्लाइट्स यहाँ से टेक ऑफ करते हुए खूबसूरती के साथ में पूरा जुहू चौपाटी का आप आनंद ले सकते हैं दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत दोस्तों आनंद आ जाता है। ये आप ये देख सकते हैं बच्चे लोग मस्ती कर रहे हैं और हमने सिनेमैटिक शॉट्स लिए हैं आपके लिए, इस तरीके से आप यहाँ पर आकर रील बना सकते हैं और इंस्टाग्राम पर और हमारे शॉर्ट्स वगैरह अगर आपने नहीं देखे हैं तो शॉर्ट्स भी देखिए दोस्तों और बहुत ही आनंद आ जाएगा आपको, क्योंकि हम शूटिंग लाइन में ही कार्य करते हैं इसलिए आपको ऐसे खूबसूरत शॉट ये बांद्रा वर्ली सीलिंग की खूबसूरती को आप ये देख सकते हैं दोस्तों दूर से, बहुत ही मज़ेदार है दोस्तों जुहू चौपाटी तो अपने आप में। यहाँ पर इसीलिए हम पहले दूर आए क्योंकि आराम से आप शूटिंग कर सकते हैं, मेन जुहू चौपाटी पर बहुत ही भीड़ है, वहाँ पर भी हम आपको लेकर जा रहे हैं
और जितने भी वाटर स्पोर्ट्स जो हैं दोस्तों यहाँ पर जो शुरू हो चुके हैं पूरे हम आपको करीब से दिखाएंगे। ये पूरी जुहू चौपाटी का खूबसूरत दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। देश के कोने कोने से लोग आते हैं और समुद्र देवता के खास दर्शन करने के लिए, क्योंकि समुद्र जो है दोस्तों मुंबई शहर अपने आप में तो खूबसूरत है ही, और साथ में दोस्तों यहाँ पर फिल्मी सितारे भी हैं और यहाँ की खूबसूरती, यहाँ की आबोहवा, ये आप ये पीछे ये आप ये देख सकते हैं JW मैरियट होटल दोस्तों, समुद्र सी फेसिंग के साथ में आप यहाँ पर अगर आप रुकना चाहते हैं तो बस बजटिंग थोड़ा सा ज़्यादा आप कर लीजिए और समुद्र की सैर भी करिए और मुंबई शहर में घूमने का भी आप आनंद ले सकते हैं। समुद्र की लहरों को देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे यहाँ के अपने आप में। और ये आप ये देख सकते हैं समुद्र के बीच में, जुहू चौपाटी के बीच में यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स एक से एक है। और ये आप देख सकते हैं तीव्र गति की के साथ में कितनी स्पीड बोट जो है बहुत ही फास्ट लेकर जाते हैं, फास्ट वापस लेकर आते हैं। और यहाँ पर आकर आप अपनी फैमिली के साथ में यहाँ पर आकर सुबह से लेकर शाम तक टाइम स्पेंड कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इसके बाद में बारिश जो है शुरू हो जाएगी, उसके पश्चात जो है ये वाटर स्पोर्ट्स को बंद कर दिया जाता है। जून जैसे ही शुरू होगा दोस्तों, मुंबई शहर में 3 से 4 महीने बारिश रहती है, उस दौरान वाटर स्पोर्ट्स दोस्तों छोटे मोटे चालू रहते हैं, लेकिन बीच में ज़्यादा लेकर जाना बिल्कुल भी ख़तरनाक हो सकता है। ये आप ये देख सकते हैं वाटर स्पोर्ट्स को लोग बैठे हुए हैं और उलट पुलट कर दोस्तों समुद्र की सैर की जाती है। और ये वाटर स्पोर्ट्स को आप ये देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत। चलिए थोड़ा और करीब हम आपको लिए चलते हैं, बिल्कुल जुहू चौपाटी के पूरा सनसेट तक का दृश्य हम आपको दिखाने वाले हैं। ये देख सकते हैं आप कितनी भीड़ है दोस्तों, और ऐसी भीड़ में शूटिंग करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमने पहले दूर से जाकर शांति के साथ में ये यहाँ पर फ्लाइट का और टेक ऑफ हो रही है। ये आप ये देख सकते हैं हमने भी अपने कैमरे को रेडी कर लिया है ताकि इसका भी शॉट लें साथ में, और जुहू चौपाटी का भी शॉट लें ताकि हमारी यूट्यूब फैमिली को खूबसूरत से खूबसूरत दृश्य आपको देखने को मिले दोस्तों। और बस जीवन में जितना हो सके एंजॉय करिए और ऐसे ही अपने सपनों को साकार कीजिए, पैसा कमाइए और अपने पैरों पर खड़े होइए दोस्तों। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, काम की कोई कमी नहीं है, बस लगे रहिए जीवन में, कामयाबी आपको मिलनी ही है। और YouTube पर सारी चीज़ें उपलब्ध है आज की डेट में, और पैसा कमा कर अपनी फैमिली को खुश रखिए। और मन की शांति तो दोस्तों तब ही मिलती है जब मन शांत रहता है, नहीं तो ज़्यादा पैसा कमाने के पश्चात भी इंसान जो है अशांति अनुभव करता है, और पैसे से सब कुछ नहीं हो सकता है। ये है ये इस तरीके की जो है खुशियां हैं अपनी फैमिली के लिए आप जो है कलेक्ट कर सकते हैं। और चलिए ये सारी बातें तो ज्ञान वाली बातें तो बहुत सारी होती ही रहती हैं, ये आज मज़े ले रहे हैं यहाँ पर जुहू चौपाटी के। तो ये आप ये देख सकते हैं दोस्तों स्पीड बोट में बैठकर पूरा एंजॉय करना, मज़ा करना, उसकी बात ही अलग है। और दोस्तों मुंबई जो है आने वाले दिनों में दोस्तों दुबई को भी पीछे छोड़ देगा, ऐसा यहाँ पर कार्यक्रम आने वाले समय में चल रहे हैं, क्योंकि भारतवर्ष में चारों ऋतुएं हैं दोस्तों। आप गर्मी के दिनों में आप दोस्तों हिमालय में जा सकते हैं, चारों यात्राएं कर सकते हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। और गर्मी के दिनों में आप ठंड का अनुभव कर सकते हैं, और हर तरह की ऋतुएं अभी करीबन 4-5 दिन के पश्चात दोस्तों वर्षा ऋतु
का आगमन होने ही वाला है और सारी ऋतुएं हमारे भारतवर्ष में देख सकते हैं। इसीलिए इंडिया अपने आप में लोग दूर दराज से ना जाने कहां कहां से लोग यहां पर घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि कोई कोई देश तो ऐसे हैं जहां पर कि सूर्य देवता इतनी गर्मी नहीं दे पाते, इसीलिए लोग यहां पर सनबाद के लिए आते हैं। और ये सनसेट दोस्तों होने ही वाला है, तो बस ये भी यही संदेश देता है कि हर रोज रात्रि होती है, अगले दिन वापस से सुबह होती है और सूरज देवता सुनहरी किरणों के साथ में वापस से उदय होते हैं। इसीलिए जीवन में सुख दुख तो आते ही रहते हैं, सुख आया है तो दुख भी आएगा, दुख आया है तो सुख भी अवश्य आएगा जीवन में। इसीलिए हमेशा किसी भी समय घबराना नहीं है, बस अपने आप को शांत करके जीवन में बस आगे बढ़ते जाना है। बस ये छोटा सा संदेश हमने आपको दिया ताकि हमारी YouTube फैमिली किसी भी परिस्थिति में हर समस्या का समाधान कर सके। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और ऐसे ही खूबसूरत वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, अपना ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।